Welcome to Sindhwal classes. Myself Sonal Chaurasia, Bokhni faculty from Sindhwal classes students. Today I am going to teach you topic chapter number 2 biological classification. मैंने यहाँ से start कर रही हूँ. मैं आपका topic chapter number 2 biological classification. थोड़ा introduction है कि कोई भी animal है तो उसको हम कैसे classify करेंगे. थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो species हैं, genus हैं, उनको हमने कैसे classify किया है. ठीक है, तो पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले जो नाम आता है एरिस्टोटल का है. ठीक है, एरिस्टोटल ने बताया कि जो प्लांट्स हैं उसमें ट्रीज होते हैं, हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, और जो एनिमल्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द रेड, जिनका ब्लड रेड है और जिनका ब्लड रेड नहीं है. ये तो एरिस्टोटल ने बताया, क्योंकि उस समय इतना साइंस हमारा डेवलप नहीं था, किसी को इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था. तो एरिस्टोटल ने सिर्फ इतना ही बताया कि जो प्लांट्स हैं उनमें हर्ब, श्रब एंड ट्रीज होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जिनका ब्लड रेड होता है, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका ब्लड रेड नहीं होता है. ठीक है, लेकिन आज अभी हम उसकी बात थोड़ी देर के बाद करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड, पहली स्लाइड जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द बायनोमिनल सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट बिफोर वी गोइंग ऑन द क्लासिफिकेशन. हमें किसी भी एनिमल का जो बायनोमिनल नॉमनक्लेचर है वो पता होना चाहिए. ठीक है, तो पहला टॉपिक इज, फर्स्ट टॉपिक इज बायनोमिनल सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर. ये किसने दिया था? ये दिया था स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, नेम इज कार्ल वॉन लिनी इन 1753, और ऑल्सो नोन एज, और हम इनको क्या कहते हैं, लीनियस भी कहते हैं. क्लियर बेटा? मींस बायनॉमिनल, बायनॉमिनल मतलब कोई भी एनिमल होगा उसके टू नेम्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय, बाय मींस टू, नॉमिनल मींस नेम. ठीक, ओके, तो कोई भी एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ऑर्गेनिज्म मींस प्लांट, एनिमल, व्हाटएवर, जो भी है उसके दो नाम होंगे. एक पहला नाम होगा उसका जीनस, और सेकेंड नेम क्या होता है, स्पीशीज होती है. ओके, That is given by the Swedish naturalist थे. उनका नेम क्या था? कार्ल वॉन लिनी, also known as Linnaeus. ठीक है? In year है, that is 1753, 1753. तो what is binomial nomenclature? Suppose mango. तो mango is a common name or English name, और इसका scientific name और botanical name क्या है? Mangifera indica. ठीक है? Mangifera इंडिका. तो लिनियस ने कहा बेटा कि जो पहला नाम होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकेंड नेम होगा वो ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा. स्पीशीज को और हम क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू लिनियस क्या है कि फर्स्ट कोई भी आपका इस ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, हमने यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया मैंगो. मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, और अकॉर्डिंग टू द लिनियस किसी का भी नाम के दो पार्ट होते हैं. पहला नाम होता है उसका जीनस रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा नेम उसका क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. नाउ फिर सेकेंड पॉइंट क्या है अकॉर्डिंग टू द लिनियस? लिनियस का सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जब भी हम जीनस या स्पीशीज को लिखेंगे तो ऑलवेज रिटन, हैंड रिटन, इफ इट इज हैंड रिटन, अगर ये हैंड रिटन है तो हमेशा क्या होगा, अंडरलाइन होगा. ठीक है, अंडरलाइन होगा. सपोज मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका अगर मैंने लिखा है, अगर मैंने हैंड रिटन लिखा है तो हमेशा ये अंडरलाइन होगा. इफ इट इज प्रिंटेड, अगर ये हमारा क्या है, प्रिंटेड है, प्रिंट करा रहे हैं हम किसी किताब में या कहीं पे भी, तो हमेशा किस में लिखा जाएगा, इटैलिक्स में. ठीक है, हमेशा किस में प्रिंट होगा, इटैलिक्स में. अगर इफ इट इज इन प्रिंटेड फॉर्म तो हमेशा किस में प्रिंट होगा, इटैलिक्स में प्रिंट होगा. क्योंकि बेटा इटैलिक्स में इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि जो हमारे बायनॉमिनल नॉमनक्लेचर वाले जो वर्ड्स हैं, जो हम नेमिंग कर रहे हैं, वो लैटिन डिराइव्ड होते हैं. ठीक है,
लैटिनाइज्ड लैंग्वेज वाले होते हैं, और जो इटैलिक्स होता है वो लैटिन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में इटैलिक्स में प्रिंट करवाते हैं। क्लियर? अगर हमारा नेम क्या है, इफ इट इज हैंड रिटन, साइंटिफिक नेम अगर हम हैंड रिटन है तो हमेशा वो क्या होगा, अंडरलाइन होगा। अगर हम उसे प्रिंट करवाएंगे तो हमेशा प्रिंट किस में होगा, इटैलिक्स में होगा। ठीक है, इटैलिक्स में क्यों प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि लैटिन वर्ड से डिराइव होते हैं और इटैलिक्स उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, थर्ड पॉइंट इन्होंने ये बोला कि जो जीनस है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस का जो पहला लेटर होगा, सपोज मैंगी, ठीक है, मैंगी जो है, मैंगी फेरा का जो पहला एम है, दिस वन पहला लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस, वो हमेशा किसको किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा जीनस को, स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। और स्पेसिफिक एपिथेट ऑलवेज रिप्रेजेंट विद द स्मॉल लेटर। ठीक है, स्मॉल लेटर मतलब अगर हमने क्या लिखा है, इंडिका ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, इंडिका का आई हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर इट और नॉट? थर्ड पॉइंट क्या कहा इन्होंने कि अगर हम किसी का भी जीनस और स्पीशीज लिखते हैं बेटा, तो जीनस को हमेशा हम किससे स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो कार्ल वॉन लिनियस ने बेसिकली थ्री पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट कि जो पहला नाम होगा दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट द जीनस, एंड द सेकेंड नेम ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा कि इफ इट इज हैंड रिटन, अगर हम साइंटिफिक नेम किसी का हैंड रिटन लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीशीज को अलग अंडरलाइन करेंगे। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि अगर हम उसको प्रिंट कराते हैं तो हमेशा प्रिंट किस में होगा, इटैलिक्स में प्रिंट होगा। ठीक है, इटैलिक्स में क्यों प्रिंट करते हैं, क्योंकि लैटिनाइज वर्ड से डिराइव होते हैं साइंटिफिक नेम और इटैलिक्स उसको रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड क्या है, जीनस जो होता है ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। ओके, नाउ सेकंड, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन के बाद। जब बायनॉमिनल सिस्टम स्टार्ट हो गया, उसका नाम रख दिया हमने, पहला नाम बोल दिया जीनस है, दूसरा नाम रख दिया स्पीशीज है, उसके बाद आए साइंटिस्ट एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल ने सिंपल एक क्लासिफिकेशन करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन करा अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली जो भी क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे इन्होंने चीजों को क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने बोला कि सपोज अगर प्लांट क्या है, बहुत बड़ा है, वुडी है, उसको बोल दिया ट्री है, छोटे साइज का है, ठीक है, उसे बोल दिया श्रब है, जो मीडियम साइज का रखा है श्रब है, और जो सबसे छोटे साइज के हैं उन्हें क्या बोल दिया, हर्ब है। एनिमल्स को भी इन्होंने इसी अकॉर्डिंगली डिवाइड किया, जिनके अंदर रेड ब्लड है वो अलग रख दिए, और जिनके अंदर ब्लड रेड ब्लड नहीं है, अदर पिगमेंट वाला ब्लड है, उनको अलग रख दिया। मतलब इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। उसके बाद साइंटिस्ट आए लिनियस, जैसे आप जिन्होंने दिया था बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, इससे पहले वाली स्लाइड में आप देख चुके हैं बेटा। तो लिनियस ने ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये क्वेश्चन आता है नीट में कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है गिवन बाय, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं दैट इज एरिस्टोटल और लिनियस। तो हेयर लिनियस ओनली जिन्होंने आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने बताया लिनियस ने कि दो किंगडम होते हैं, या तो प्लांटी होता है नहीं तो एनिमेलिया होते हैं। क्लियर? अरिस्टोटल ने डिवीजन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से करा, लेकिन उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। उसके बाद जब लिनियस आए तो लिनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस,
और लीनियस के अकॉर्डिंगली कितने किंगडम होते हैं? लीनियस फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन. हाँ ठीक है, अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय तो ऑलवेज लीनियस आप लिखेंगे. ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस. ओके, अब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उन्होंने बोला कि पहला किंगडम जो है दैट इज प्लांटी, पहला किंगडम प्लांटी है और दूसरा किंगडम है एनिमेलिया. एनिमेलिया दूसरा किंगडम क्या है हमारा? एनिमेलिया है. देखो लाइक टू किंगडम से ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डिवाइड किया. सपोज दिस इज ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म डिवाइड इंटू टू किंगडम, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी. ठीक है, इन्होंने दो किंगडम बताए कि ऑर्गेनिज्म के दो किंगडम हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया से बिलोंग करेगा या ऑर्गेनिज्म हमारा प्लांटी से बिलोंग करेगा. तो क्या करेक्टरिस्टिक थे एनिमेलिया एंड प्लांटी के? एनिमेलिया में इन्होंने सारे क्या रखे? यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआज रखे. ठीक है, जिनके अंदर मूवमेंट होता था. ठीक है, जो पानी में तैर सकते थे, चल सकते थे. ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोशन इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया और ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया प्रोटोजोन्स और मल्टी सेलुलर मेटाजोन्स. ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर मेटाजोन्स. और प्लांटी में हमारे क्या है? फंजाई आ गई. ठीक है, फंजाई, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आ गए जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था. ऑन दिस बेसिस इन्होंने दो किंगडम बताए, एक किंगडम एनिमेलिया और एक किंगडम हमारा क्या है? प्लांटी है. किंगडम एनिमेलिया में वो छोटे छोटे जू प्लैंकटॉन्स आ गए. ठीक है, जो मूवमेंट कर सकते थे, छोटे छोटे एनिमल्स आ गए और जिनके अंदर लोकोमोशन होता था उन सबको उठा के इन्होंने किसमें रख दिया? दैट इज इन एनिमेलिया. और जिनमें नहीं होता था, जो फंजाइज थी, जो फोटोसिंथेसिस कर लेते थे, उनको किसमें रख दिया? किंगडम प्लांटी में रख दिया. ओके, अब आया, इसके बाद आए लीनियस के बाद आए साइंटिस्ट, आए अर्नेस्ट हेकेल. ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हेकेल, गिवन बाय अर्नेस्ट हेकेल इन 1866. कब दिया था इन्होंने? इन 1866 में दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में अर्नेस्ट हेकेल ने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं. सपोज ये ऑर्गेनिज्म का वर्ड है और इस ऑर्गेनिज्म वर्ड में दो चीजें हो सकती हैं. पहले या तो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे और या क्या होंगे? यूकैरियोटिक होंगे. ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोटिक होते हैं और या यूकैरियोटिक होते हैं. तो एज यू नो बेटा कि व्हाट आर प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है. और यूकैरियोट क्या होते हैं? जिनका न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डेवलप होता है, मॉडर्न होता है. वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं. तो प्रोकैरियोट्स में जो इन्होंने रखा, क्या रखा इन्होंने? प्रोकैरियोट्स के अंदर रख दिया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. ओके, एंड यूकैरियोट्स में इन्होंने क्या रखे? दो रख दिए, एक प्लांटी रख दिया और एक क्या रख दिया? एनिमेलिया. एनिमेलिया, ओके, दो किंगडम यहाँ पे रख दिए, एक प्लांटी और एक बेटा एनिमेलिया. अब प्रोकैरियोट्स में इन्होंने बेसिकली बैक्टीरिया को रखा, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई हियर, इन दोनों के बीच में एक नया एनिमल आ गया. दिस इज एनिमल नेम, दिस इज नॉट द किंगडम नेम, दिस इज युगलीना. ठीक है, इन्होंने बोला कि जो युगलीना है वो दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, यानी उसके अंदर प्लांट के भी कैरेक्टर हैं और उसके अंदर एनिमल के भी कैरेक्टर हैं. और प्लांटी के अंदर इन्होंने और किसको रखा? फंजाई को भी प्लांटी के अंदर रख दिया.
अब युग्लीना, देखो सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ युग्लीना, सबको पता है ये क्या है, फ्लैजिला है, ये इसका एनिमल कैरेक्टर शो कर रहा है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना, यानी अपना फोटोसिंथेसिस ये कर सकता है, तो ये कौन सा कैरेक्टर हो गया इसका, प्लांटी का कैरेक्टर हो गया, फ्लैजिला किसका कैरेक्टर हो गया, एनिमेलिया का। तो इन्होंने बोला जो युग्लीना है वो दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। लेकिन उसके बाद अर्नेस्ट हेकल आए और अर्नेस्ट हेकल ने एक नया किंगडम दे दिया और उस किंगडम का नाम इन्होंने रखा प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा रखा और उसमें किसको किसको कवर किया, युग्लीना, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और फंजाई। इन्होंने कहा प्लांटी और एनिमेलिया को छोड़ के अब तीन किंगडम हो गए हैं, कौन कौन से, एनिमेलिया, सेकेंड वाले क्या है प्लांटी, और थर्ड वाले क्या है, दैट आर प्रोटिस्टा, ठीक है। तो अर्नेस्ट हेकल ने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करा और उसका नाम इन्होंने क्या रखा, प्रोटिस्टा, जिसके अंदर उन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे, लाइक युग्लीना, फंजाई, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ओके, थैंक यू क्लास। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप फिर से हमारे चैनल को फॉलो करिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ओके। एंड जो आपके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे आप अवेलेबल है, और जो आप अगर हमारा MCQs देखना चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। तो प्लीज फॉलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज फॉलो इट। थैंक यू।